दोस्तों, जब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था तो न्यूटन ने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे गुरुत्वाकर्षण का खोज हो जाएगा। और न्यूटन ने ये भी नहीं कहा कि सेब का तो काम ही ऊपर से नीचे गिरना। बस न्यूटन उसमें लग गया और न्यूटन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरे को कोई खोज करना है या क्या करना है। बस रिलैक्स होके वो विचार में लग गया और दुनिया को एक महान खोज दिया, दुनिया को एक महान जानकारी दी, और वो जानकारी थी गुरुत्वाकर्षण की जानकारी। और अगर दूसरी बात करें तो अगर एडिसन की बात करें तो एडिसन को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एक ऐसी चीज़ भी खोज दूंगा जो कि ऐसी लाइट करेगा जो हवा पानी से प्रभावित नहीं होगा, जो कितना भी हवा चले वो लाइट के ऊपर कोई असर नहीं करेगा और वो लाइट बहुत ज़्यादा रोशनी देगा और भविष्य के लिए वो रात के टाइम में लोगों की आँखें बन जाएगा। और वो खोज था विद्युत बल्ब का खोज जो एडिसन ने किया। लेकिन एडिसन के पहले तो कोई बल्ब जानता नहीं था, क्योंकि जब खोज एडिसन किया तो एडिसन ही जानेगा ना। लेकिन एडिसन को भी ये पता नहीं था कि मैं क्या खोजूंगा। मतलब कि जितने जो बड़ी बड़ी काम होती है या बड़ी बड़ी खोजें होती है वो करने वाले को भी नहीं पता रहता है कि मैं एक खोज करूंगा। बस निष्काम तरीके से निश्चिंत होकर माइंड को चिल्ड करके उसमें लग जाता है। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उन सब में एक चीज़ तो कॉमन है कि सब ने अपने काम को शुरू करते वक्त एक कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ऊंचाई तक चल जाऊंगा। उन्होंने बस अपने काम को किया और अपने काम में एक अजब सी आनंद को फील करते हुए किया, उसको एक प्रैक्टिकल के रूप में, एक प्रयोग के रूप में किया। चाहे पास हो तो अच्छा है कि मेरे बात कन्फर्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भी अच्छा है, ये बात कन्फर्म हो जाए, कम से कम ऐसा नहीं होता। और सबके सब ऊंचाइयों की ओर पहुंचे। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने काम को बस एक काम की तरह करना पड़ेगा और बस इतना मानना रहेगा कि मैं सफल हूं चाहे असफल हूं, मुझे इस काम को करना है और रिजल्ट देखना है कि क्या होता है, मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये सब सेकेंडरी मेथड है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई कई फैक्ट्री रहे या कोई ऑफिस में कोई वर्कर रहता है जो बस अपने काम को करते रहता है। वो कभी भी अपने जो बॉस होते हैं उसको खुश करने के लिए काम नहीं करता, बस वो अपने काम को करते रहता है और देखते ही देखते उसका बॉस उसको नोटिस करने लग जाता है। वो अपने बॉस की ओर नोटिस नहीं करता, वो बस अपने काम की ओर नोटिस करता है। लेकिन उसके बॉस उसको नोटिस भी कर लेता है और उसको वो पद दे देता है जिस पद के लिए कितने लोग संघर्षशील रहते हैं। दोस्तों, सफलता की इच्छा रख के काम करने में नहीं आती। सफलता तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम को, बस वही काम को आनंदित तरीके से करने से आती है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में किसी खास लक्ष्य को पकड़ के काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पास होते हैं और कुछ फेल होते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो उस काम को बस करने के लिए करते हैं। मतलब दिमाग में है कि बस वो काम करना है भैया, वो काम करने में को मजा आता है। सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊं या असफल व्यक्ति बन जाऊं उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस वो काम के आनंद को लेना है। वैसे लोग कभी भी असफल नहीं होते और वैसे लोग ऊंचाई पर आपको बैठे दिखेंगे। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जितने जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं आप उनसे एक बजा के पूछिएगा कि तुम पढ़ाई टॉप करने के लिए किए थे या पढ़ाई को पढ़ने के लिए किए थे। तुम्हें पढ़ाई में मजा आता था, अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए, अपने जो मजा आता था, अपने जो आनंद आपको फील होता था उस आनंद को सेटिस्फाइड करने के लिए पढ़े थे या टॉप करने के लिए पढ़े थे? तो लड़का एक ही बात बोलेगा कि मैं बस अपने अंदर जो आनंद आता था ना उस आनंद को सेटिस्फाइड करने के लिए, आनंद को पूरा यूटिलाइज करने के लिए पढ़ाई करता था। टॉप करने के उद्देश्य से जो स्टूडेंट पढ़ाई करेगा वो कभी टॉप नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा शाश्वत सत्य है। दोस्तों, आपको ऊंचाई पर बैठा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका उद्देश्य केवल ऊंचाई पर बैठना हो, उसका शुरुआती उद्देश्य तो केवल केवल अपना काम करना हो। दोस्तों, सफलता केवल बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से नहीं मिलती, ये सब एक खोखली बातें हैं और एक बहुत बड़ा अफवाह है और बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। सफलता अपने काम को आनंद से करने से आती है। मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते वक्त आपको आनंद आने लग जाए, आपको मजा आने लग जाए, और जब आप घर में जाकर सोए और सोते वक्त आपको रात को सपने आ रहे, यार कल वो काम को आगे करूंगा, यार क्या मजा आएगा, उस जगह छोड़ा था अब आगे क्या करता हूँ,
जब आपके दिमाग में बात आने लग जाए तो समझ लीजिए कि अब आप उसकी ऊंचाई पर पहुंचने के योग्य होने लगे हैं, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका सबसे ऊंचा पोस्ट आपके लिए है। और अगर आप ये बस ठान लेंगे ना कि मेरे को कुछ भी करना है, बस ऊंचाई को पकड़ लेना है, मुझे सर्वोच्च स्थान इसका प्राप्त कर लेना है, तो आप कभी वो पद को प्राप्त नहीं करेंगे। आप इसके लिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो आपको नहीं प्राप्त होगा। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अगर वो बचपन से ही ये लक्ष्य मान के चलते कि मुझे देश का पीएम ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है, तो यकीन मानिए आज वो पीएम नहीं बन पाते। शुरुआत से उनका लक्ष्य था शाखा में जाना, देश के लिए करना और शाखा का प्रचार करना, और वो दिन रात एक करके केवल यही काम किए, तभी तो उनके काम से प्रसन्न होकर शमशान घाट में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा फोन आया था कि गुजरात का सीएम बनोगे, और उन्होंने हामी भरी और फिर वो गुजरात का सीएम बने। वो गुजरात का सीएम इसलिए नहीं बने क्योंकि उनका लक्ष्य था गुजरात का सीएम बनना, वो गुजरात का सीएम इसलिए बने क्योंकि वो अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि ऊपर वाले हेड की नज़र उन पर पड़ गई, और गुजरात के सीएम बनने के बाद पीएम का दौर चालू हुआ। मतलब दोस्तों यहाँ भी देखिए, नरेंद्र मोदी जी के एग्जाम्पल को भी देखिए, तो उनका लक्ष्य शुरू में ना सीएम बनना था ना पीएम बनना था, बस अपने काम को आनंदपूर्वक करना था, तब आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और अगर वो गलती से भी ये लक्ष्य पाल के चलते ना कि मुझे देश का पीएम बनना है, तो असंभव था देश का पीएम बन जाते हैं। और दोस्तों हम यूट्यूबर की भी एक बात होती है, आप किसी भी यूट्यूबर से पूछिएगा, कोई अच्छा यूट्यूबर से अगर आप उससे पूछिएगा कि यार यूट्यूब में मुझे पैसे कमाने हैं या यूट्यूब मुझे आगे बढ़ने हैं, तो अगर मैं अपने दिल में नियत रख लूँ कि मुझे बस पैसे कमाने हैं तो क्या पैसे कमा पाऊँगा, तो यूट्यूबर आपको बोलेगा नहीं। यूट्यूब में सबसे पहले आपको इतना मेहनत करना, आपको इंटरेस्ट डालना है कि आपके थॉट निकले और आप अपनी बातों को रख सके, किसी को सिखा सके। मतलब आपका पहला लक्ष्य किसी को सिखाना रहेगा, और वो भी दिल से आनंदित होकर सिखाना, पैसे कमाना बिल्कुल नहीं। फिर आपका वीडियो चलेगा और फिर आप पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर शुरू से ही ठान लेंगे ना कि मुझे पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में आना है, आपके थॉट ही नहीं निकलेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और बस आप कुछ दिन बाद छोड़ के भाग जाएंगे। और यही बात हर जगह लागू होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको किसी फील्ड में कोई ऊंचाई तक जाना है, तो सबसे पहले उस फील्ड के छोटे बड़े कामों में आनंद लेना सीखिए। तो दोस्तों किसी भी फील्ड में सफल होने का पहला रास्ता यही होता है कि आप अपने काम में आनंद लेना सीखिए। आपको रात को सपने आना चाहिए कि कल मैं अपने काम को कितने मजे से कर रहा हूँ, और काम खत्म हो आपके करने के बाद दिल में बात होनी चाहिए, थोड़ा टाइम और मिला होता तो आज ये काम कर लिया होता। और जब ऐसी बातें आपके दिल में आने लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि आप उस फील्ड के ऊंचाइयों के लिए बन गए हैं। दोस्तों फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि किसी भी फील्ड की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपका लक्ष्य उस फील्ड का ऊंचाई तक पहुंचना नहीं, उस फील्ड के जो छोटे बड़े सारे काम हैं उसको समझने की इच्छा होनी चाहिए, और उसको समझने में इंटरेस्ट होना चाहिए। और आपको किसी दबाव में नहीं, किसी डर में नहीं, और किसी मजबूरी में वो काम नहीं, आपके दिल से वो काम होनी चाहिए। आपको वो काम करने में मज़ा आने लग जाना चाहिए, आनंद आने लग जाना चाहिए, और रात को जब आप घर पहुँचे तो आपको उस काम के सपने आना चाहिए, और तब वो काम का और उस फील्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट आपके लिए बना है, आज नहीं तो कल आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और प्लीज़ आप लोग से एक ही शिकायत है और हमेशा रहता है कि आप लोग मेरे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट में कुछ लिखते नहीं है। प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ, कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ सबसे पहले उठा सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।